गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट गवर्नमेंट आज स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे इंडिया हैज़ अ फेडरल सेटअप विच मीन्स डैट वी हैव टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में गवर्नमेंट के टू लेवल हैं वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंटायर कंट्री के लिए जो वर्क करती है दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर स्टेट दिस इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर एज डेट ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से सेंट्रल में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करते हैं सेंटर के लिए सेम इसी तरीके से गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर वर्क करते हैं ठीक है तो ये दो लेवल बताए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इन स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें टू हाउसेज बताए गए हैं एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और सेकंड है लेजिस्टिव काउंसिल ठीक है लेजिस्टिव असेंबली में इस लजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें मैक्सिमम फाइव हंड्रेड मेम्बर्स होते हैं एंड मिनिमम सिक्सटी मेम्बर्स होते हैं द नंबर ऑफ मेंबर इन असेंबली इज़ फिक्स्ड बाई द पार्लियामेंट इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इसमें जो मेम्बर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्टिव असेंबली में ठीक है लेजिस्टिव असेंबली को हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा ये जो असेंबली है लेजिस्टिव असेंबली इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर फाइव ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है इस असेंबली में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है इट्स मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैंशन इन देट लिस्ट अब स्टे लेजिस्टिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे लेजिस्टिव काउंसिल को हम विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं इट इज़ नोन एज अपर हाउस अपर हाउस होता है ये इट्स स्ट्रेंथ इज़ वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्टिव असेंबली ठीक है लेजिस्टिव असेंबली की स्ट्रेंथ के टोटल स्ट्रेंथ का वन थर्ड पार्ट जो होता है वो इसके अंदर होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वन थर्ड होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ की वन थर्ड होती है ठीक है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी परमानेंट बॉडी होती है और कैन नॉट बी डिज़ोल्व इसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेम्बर इज़ सिक्स ईयर सिक्स ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है ये इट इज़ नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है और इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है अब रिलेशन पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन लेजिलेटिव असेंबली एंड काउंसिल। काउंसिलजिस्लेटिव असेंबली एसेंशियल है स्टेट के लिए वाइल लेजस्टिव काउंसिल काउंसिल ऑप्शनल ठीक है लेजिस्टिव काउंसिल जो है वो ऑप्शनल है लेकिन लेजिलेटिव असेंबली जो है वो एसेंशियल है स्टेट के लिए मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली लेजिलेटिव असेंबली में लेजिस्टिव काउंसिल के पास जो पावर होती हैं ऑर्डिनरी बिल के ऊपर वो लिमिटेड होती हैं नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होता है गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही ठीक है स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं गवर्नर जो होता है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा फाइव ईयर के लिए

अब ही हैज़ लेजिस्लेटिव जुडिशली एंड डिस्क्रिएशनरी पावर इसके पास लेजिस्लेचर पावर भी होती है जुडिशल पावर भी होती है और डिस्क्रिएशनरी पावर्स भी होती हैं ठीक है अब हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया जाता है गवर्नबर गवर्नर के द्वारा ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी चीफ मिनिस्टर ही करता है जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर के बीच में लिंक का काम करता है ठीक है इसके अलावा जो चीफ़ मिनिस्टर है वो किसी भी काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर के मेंबर्स को अपॉइंट भी कर सकता है डिसमिस भी कर सकता है और रीशफल भी कर सकता है ठीक है इसके अलावा ही कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज थैंक यू